खाना खाते हुए सौरभ जोशी को मिलियन कमेंट जिसने भी फेक फॉलोअर डलवाए हैं। सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो आज मेरे पास बहुत ही बढ़िया स्टोरीज है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले प्रो राइडर के बारे में। तो आपको पता है वो प्रो राइडर का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी खबर उनके दोस्त ने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करके दी। एंड प्रो राइडर ब्लेम लगा रहे उनकी गाड़ी 300+ थी। तो उसी से रिलेटेड उनके पिताजी ने उनके चैनल पे एक वीडियो अपलोड की और वो बताया कि वो उनकी गाड़ी 300 की स्पीड में नहीं थी एंड किसी गाड़ी से उसकी गाड़ी टकराई थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। एंड उन पे केस भी किए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है। एंड वो बताया कि उनकी 13वीं है जो कल थी, जिस पे बहुत से यूट्यूबर आए। एंड प्रो राइडर की माताजी बोल रही है कि वो मेरे बच्चे को उठा लेता था, उसकी जान शायद बच जाती। सो मैं वो वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। हम कहते हैं कि उसको वहाँ पर रुकना चाहिए बस, थोड़ा सा उठा देता तो क्या जाता तेरा। आज दुनिया में तो हीरो बन जाता। पुलिस ने अपना नाम ही डुबा दिया। एक जानवर है वो भी अपने दोस्त को साथ देता है, सब गंदे हो जाते हैं। मेरी माँ के ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं कर रही, किसी माँ पे क्या बीती। ओह क्या कह रही हूँ मैं। तो आ जाएगा ना यहाँ पर बाइक पे, सब आ जाएगा उधर। एंड आगे मैं बात करने वाला हूँ सौरभ जोशी के बारे में। तो केरिमिनाटे ने सौरभ जोशी को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। जी हाँ, केरिमिनाटे ने अपने सेकंड चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने सौरभ जोशी एंड फुटबॉल लोगों को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। तो छोटा सा क्लिप उस वीडियो को मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। कितनी आदत थी मुझे उसकी, हकते हुए फूड ब्लॉगर्स को देखता था, खाना खाते हुए सौरभ जोशी को हकते हुए देखता था। एंड आगे हम बात करने वाले यूके जेरेशन राइडर के बारे में। तो यूके जेरेशन राइडर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील अपलोड की एंड अपने फॉलोअर्स को बोले कि 1 मिलियन कमेंट पूरे कर दो। तो कुछ ही देर में उन्होंने 1 मिलियन कमेंट पूरे हो गए, जिसपे रिएक्ट करते उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की। भाई साहब, मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम की कल वाली पोस्ट के कॉमेंट चेक कर रहा था। 1 मिलियन कॉमेंट, 1 मिलियन कॉमेंट कर दिया ब्रो। से इन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया भाई, रिकॉर्ड। मेरे अब तक के हाईएस्ट कमेंट 110,000 थे गाइस, बट वी मेड अ न्यू रिकॉर्ड यार। सोचो तुम ब्रो से ना ओपिन कमेंट्स भाई। मैं मुझे पता है मेरी जनता कुछ भी कर सकती है भाई, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग ब्रो से ना ओपी। तो आगे मैं बात करने वाला हूँ लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी की किसी फैन ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स बढ़ा दिए, जिसके बारे में रिएक्ट करते हुए उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की। तो भी भाई, जो भी आदमी है जिसने भी फेक फॉलोअर डलवाए हैं 200-300 के और मेरे 1 मिलियन करा दिए, तो भाई मैं इससे कहूँगा भाई ठीक है, थैंक यू, इतना करा दिया, अब मत डलवाओ। अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हो कि बहुत प्यार मिलेगा तो मत डलवाओ, मैं अपनी मेहनत से कर लूँगा दोबारा, इन्हें कम हो जाने दो। और अगर कोई कर रहा है हेट में गंडजली में, तो भाई करता रहे ठीक है। ये पैसे बाप के अस्थमा में काम आ जाते जो मेरे ऊपर खर्च दिए हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं होती यार, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बिल्कुल प्यार में ही कर रहा है अप्रिसिएशन लेने को, तो भाई ये अप्रिशिएट होने वाली चीज़ भी नहीं है। एंड आगे मैं बात करने वाला हूँ फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट महेंद्र सिंह धोनी को ट्रिब्यूट करते हुए देश का धोनी कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली टू चेन्नई तक की साइकिल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। तो कल चेन्नई वर्सेस केकेआर का मैच था, तो उसी स्टेडियम में देश का धोनी के बैनर दिखाई दिए, जिसको उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दिखाए, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।